नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा IBPS क्लर्क 11 2021-2022 को लेकर है। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हरियाणा की UR यानी कि जनरल, SC, ST, OBC, EWS, EXS यानी कि एक्स सर्विसमैन और DXS यानी कि डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की एक्सपेक्टेड हरियाणा की कट ऑफ लेकर हम आपके लिए आए हैं। एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। हमने आपको पहले IBPS क्लर्क की एक कट ऑफ पर वीडियो बनाकर दी थी, जिसमें हमने सेफ अटेम्प्ट्स और सेक्शनल कट ऑफ कितना जा सकता है हर सब्जेक्ट का, यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA का, उस पर हमने आपको एक वीडियो दी थी। उसको आपने बहुत सराहा, बहुत प्रेम दिया, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके बाद मुझे क्वेरी आई कि सर आप एक कंसोलिडेटेड वीडियो लाइए जिसमें सारी स्टेट की कट ऑफ आप बताइए। हमने फिर एक वीडियो आपके लिए बनाया, परंतु उसमें हम सिर्फ जनरल की कट ऑफ आपको बता पाए। उसके बाद मुझे कमेंट आने लगे कि सर आप स्टेट वाइज कट ऑफ लेकर आइए, पर उसमें आप सारी कैटेगरी की कट ऑफ बताइए, यानी कि जनरल की, SC की, ST की, OBC की, EWS की। परंतु हमने ये प्रयास किया कि हम एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड सर्विसमैन की भी कट ऑफ आपके पास ला सकें। इसीलिए हमने एक्स सर्विसमैन और DXS यानी कि डिसेबल्ड या डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ लेकर आए हैं। आज का वीडियो हमारा हरियाणा पर है, जिसकी रिकमेंडेशन हमें सोफिया जी ने दी थी। सोफिया जी हमारी सब्सक्राइबर हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे लिए अमूल्य हैं और हम उनकी बात कभी काट नहीं सकते, उनकी बात हम कभी नहीं टालते। इसीलिए हम आज हरियाणा की कट ऑफ आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगर आप भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप अपनी स्टेट की कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं अपना स्टेट, हम उस पर भी एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो सोफिया जी के कहने पर हरियाणा की कट ऑफ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, IBPS क्लर्क मेंस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021-2022 हरियाणा के लिए, जिसमें UR यानी कि जनरल, जनरल की कट ऑफ की हम लोग बात कर लें तो इस बार कट ऑफ 87 से लेकर 91 की रेंज में रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी के लिए, तो ये हमारी कट ऑफ 60 से लेकर के 64 की रेंज में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब हम बात कर लें ST की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये NA यानी कि नॉट अवेलेबल, ये हमने बहुत सर्च करा पर ये अवेलेबल नहीं था साइट पर। परंतु आप चिंता ना करें, एक बार वीडियो के एंड में हम इस पर भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको जरूर बताएंगे, अनुमानित जरूर बताएंगे कि कितनी जा सकती है, तो आप अभी वीडियो में जुड़े रहें। अब हम बात कर लेते हैं OBC की, तो OBC में 78 से लेकर के 82 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं EWS की, तो EWS की कट ऑफ 83 से लेकर के 87 के बीच में रह सकती है, 83 से 87। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो डेटा हम आपको दे रहे हैं, ये इस बार कितनी वैकेंसीज हैं, प्रीवियस ईयर कितनी वैकेंसीज थी, इन सब पे एनालिसिस करके हम आपको दे पा रहे हैं। हमने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ट्रेंड भी देखा है, तभी हम इस डेटा पर पहुंचे हैं। अगर आप हमारे डेटा से सहमत हों तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और अगर आप असहमत हो हमारे डेटा से तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और हमारी गलती का हमें बताइएगा कि हमारी कहाँ पे गलती रह गई, जिससे हम आगे से जरूर सुधार करें। तो अभी हम बात करें EXS यानी कि एक्स सर्विसमैन की, तो ये कट ऑफ हमारी 64 से लेकर के 68 की रेंज में रह सकती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ हैं ये हमारी आउट ऑफ 200 हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपका मेंस का पेपर 200 मार्क्स का था, तो ये हमारी कट ऑफ भी 200 मार्क्स में से ही है, आउट ऑफ 200। तो अब हम बात करें DXS यानी कि डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की, तो ये हमारी कट ऑफ 43 से लेकर के 47 की रेंज में रह सकती है। ये कट ऑफ हमने अभी की वैकेंसीज को एनालिसिस कर आपको दी है। हम ये सोचते हैं कि अगर वैकेंसीज बढ़ जाएं तो ये कट ऑफ और भी डाउन आ जाएंगी और भी कम हो जाएंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हो, भले ही हमारा डेटा थोड़ा गलत हो जाए पर आपका सिलेक्शन जरूर हो। और वो कैसे हो सकता है कि वैकेंसीज थोड़ी इंक्रीज हो जाएं, वैकेंसीज बढ़ जाएं और आपका चयन इस बार जरूर होगा। तो मैं एक बार बताना चाहता हूं कि अगर आपके 200 में से 90 मार्क्स बन रहे हैं, 87 से 91 बिल्कुल बन रहे हैं, और आप हरियाणा स्टेट से आपने एग्जाम फिल किया था IBPS क्लर्क मेंस का और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और बात कर लें EXS के लिए, अगर आपके 65, 67, 68 मार्क्स बन रहे हैं 200 में से, पूरे 200 मार्क्स का जो पेपर था उसमें से आपके 68 मार्क्स या 66 मार्क्स बन रहे हैं और आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं और हरियाणा से आपने फॉर्म फिल किया था IBPS क्लर्क मेंस का, तो आपके क्लियर होने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर सोफिया जी हैं, उन्होंने हमें हरियाणा के लिए कट ऑफ लाने को कहा था, जो कि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी और स्टेट से हैं और आप भी अपनी वीडियो चाहते हैं तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर अमूल्य हैं और हम उनकी बातें कभी नहीं टालते, उनकी बातें कभी नहीं काटते, और हम आपके लिए भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अभी हम बात कर लें ST कैटेगरी की। इसका डेटा अवेलेबल नहीं था, परंतु प्रिपेयर विद रोहित के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर हम आपको बताएं, इसमें मैं स्टार मार्किंग कर देता हूं कि ये हम आपको एक एक्सपेक्टेड अनुमानित बता रहे हैं, तो ये 50 से लेकर के 54 की रेंज में रह सकता है। तो अगर आपके 54 मार्क्स या 50 के अप्रोक्स आपके मार्क्स बन रहे हैं 200 में से और आप ST कैटेगरी से हैं और आपने फॉर्म हरियाणा से भरा है IBPS क्लर्क मेंस का, तो आपके क्लियर करने के, आपके पास होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो और 1 अप्रैल के दिन जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप सब लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। डेटा से अगर आप सहमत हों तो अपनी सहमति व्यक्त करें कमेंट सेक्शन में और हमारी हौसला अफजाई करें। अगर आप असहमत भी हों तो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आगे से सुधार करें और आपके लिए एकदम एक्यूरेट डेटा लेकर आ पाएं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।